साकिबुल हसन की घटिया सोच है, तुच्ची हरकत है, इस तरह की हरकतें आप टाइम्ड आउट, मतलब वो प्लेयर जो आ चुका है मैदान में उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूटा है, वो शाकिब को जाके कह रहा है यार क्या बात कर रहा है सर, मेरा ये वो कह रहे मैं नहीं इनकी एमसीजी में अगर मैच हो रहा हो, हाँ एमसीजी में आप अगर नीचे से टनल से निकल के आके वहां पे 120 सेकंड में आप पहला बॉल खेल लेते हो, नहीं खेलते, ये कहने की बातें हैं, घटिया टुच्ची सोच। और साकिब उल हसन ने इस वर्ल्ड कप से पहले तो बांग्लादेश की लंका लगवाई, मैंने अपने मतलब जो जितने क्रिकेट देखी सुनी है ये गली मोहल्ले में नहीं कोई करता, हाँ। यार ये तो वर्ल्ड कप खेल रही है ये टीम, ये वर्ल्ड कप खेल रहा है बांग्लादेश, ये साकिब उल हसन दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से, वही साकिब है जो कभी स्टंप से वहां तो प्लेयर आया ना हो, हाँ। आप ये कहें कि प्लेयर अंदर ही नहीं पहुंच पाया, तो चलो मैं कहता हूं 2% अरे भाई वो बंदा अंदर आ गया, वो मैदान में आ गया, उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया, तो वो क्या करेगा, वो साकिब उल हसन ने आज ना शर्मसार किया क्रिकेट को, एंड आई एम श्योर उन्होंने शर्मसार किया बांग्लादेश क्रिकेट को। गार्ड वगैरह लेने लगे तो उनके हेलमेट का एक स्ट्रैप जो था एक साइड से एक तो रहता है आप लॉक होता है, दूसरा उनका स्ट्रैप ही टूट गया, तो जब स्ट्रैप टूटता है तो गार्ड लेते हैं, एकदम जब ले रहे होते हैं स्ट्रैप टूटा वो ड्रेसिंग रूम की तरफ से फिर अपना जो है जो सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है दूसरा हेलमेट लेकर आता है, उसमें भी वक्त लगता है, वो चूज करके पहन रहे होते हैं सब कुछ, इतने में हो जाते हैं 3 मिनट पार। तो शाकिब और उनकी टीम जो है अंपायर से अपील करती है और अंपायर बोल देते हैं भाई नियम के तहत तो आप आउट हो गए हो, और फिर एंजेलो मैथ्यूज बड़ी लंबी देर तक शाकिब को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो आ गया था, मेरे हेलमेट का वो टूट गया इसलिए मैंने हेलमेट मंगवाया है, अंपायरों से बात करते हैं। उसके बाद बाहर हमने देखा कि कुशल मेंडिस भी उनके कोच जो श्रीलंका के हैं सॉरी बांग्लादेश के जो श्रीलंका ही उनके कोच हैं उनसे बात करते हैं फोर्थ अंपायर से हथुरा सिंह, हाँ पर उतनी देर में जो है कि चिड़िया खेत चुक गई थी। साकिब उल हसन की घटिया सोच है, टुच्ची हरकत है, आप मुझे बताइए एमसीजी में अगर मैच हो रहा हो, हाँ एमसीजी में आप अगर नीचे से टनल से निकल के आके वहां पे 120 सेकंड में आप पहला बॉल खेल लेते हो, नहीं खेलते, ये कहने की बातें हैं, सो दैट अंपायर के पास एक वो रहता है कि जी आप जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड सेकंडली ये टेस्ट मैच होता ना, टेस्ट मैच है, हाँ। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जानबूझकर नहीं खेल रहे हो, मैच खत्म होने वाला है, विकेटें इतनी रह गई हैं, तो आपने अपील कर ली, तो चलो टू एन एक्सटेंट, एक घटिया टुच्ची सोच। और साकिब उल हसन ने इस वर्ल्ड कप से पहले तो बांग्लादेश की लंका लगवाई, हाँ। मतलब टीम में जो भी हुआ झगड़ा कभी वो खुद चले जाते थे, मैंने अपने मतलब जो जितने क्रिकेट देखी सुनी है बहुत मतलब गेम्समैनशिप देखी है, अंडर आर्म बॉलिंग भी देखी है आपने, बाउंसर्स भी देखे हैं आपने, मार्केटिंग भी देखी है जो आप रन आउट हो गई है, ये गली मोहल्ले में नहीं कोई करता, हाँ। यार ये तो वर्ल्ड कप खेल रही है ये टीम, ये वर्ल्ड कप खेल रहा है बांग्लादेश, ये साकिब उल हसन दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से, वही साकिब है जो कभी स्टंप से वहां तो प्लेयर आया ना हो, हाँ। आप ये कहें कि प्लेयर अंदर ही नहीं नहीं पहुंच पाया, तो चलो मैं कहता हूं 2% अरे भाई वो बंदा अंदर आ गया, वो मैदान में आ गया, उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया, तो वो क्या करेगा, वो सर ऐसे ही मौकों पर, क्योंकि हम काफी बार कहते हैं कि मुझे याद है एक टेस्ट मैच था दिनेश कार्तिक, वो एक दो बार उलटबाजियां खा गए, तो हो सकता है 20-30 सेकंड उसमें हो गए, एक आपको टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग का याद होगा 2006 इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये कहानी आपने बड़ी सुनी होगी, सेकंड इनिंग में क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने वो फील्ड से बाहर चले गए, लास्ट में साउथ अफ्रीका जब आउट हुआ वो फील्ड से बाहर थे, तो जब वो उनका नंबर 4 बैटिंग आनी थी इंडिया का दूसरा गिरा, तो अंपायर ने बताया जी आप ही आपके उतने मिनट ही नहीं हुए हैं कि आप बैटिंग करने आ सको, वीवीएस लक्ष्मण ये कहानी है वो शावर रूम में थे, हाँ। वो शावर ले रहे थे तो सौरव गांगुली को फटाफट पैड, कोई एक पैड डलवा रहा है दूसरा, सौरव अंदर आए, क्या ग्राम स्मिथ ने उस वक्त टाइम आउट अपील की थी, नहीं की, तो फिर जब इंटेंशनली, ये तो गलत है यार, बट मैं वही कह रहा हूं सर, ऑब्वियसली नियम होते हैं, साकिब उल हसन ने आज ना शर्मसार किया क्रिकेट को, एंड आई एम श्योर उन्होंने शर्मसार किया बांग्लादेश क्रिकेट को, इससे पहले आप उनके अगर मतलब मैं कहता हूं इससे ज्यादा विवाद तो किसी और प्लेयर के है ही नहीं, कभी वो स्टंप्स को लात मार देते हैं, कभी वो अंपायर को कुछ कर देते हैं, ये क्या क्रिकेटर है यार, ये गली मोहल्ले की सोच लेके साकिब उल हसन वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं, बिल्कुल, बट मैं वही कह रहा सर नियम ऑब्वियसली है, बट ऐसे में जो हम कहते हैं कि जो अंपायर है वहां पर अंपायर को ऐसा तो होना चाहिए ना कि वो भी अपने कॉमन सेंस का, अब मशीने की सब कुछ अगर होना है, अंपायर नहीं देख रहा कि प्लेयर तो आ गया यार, और क्या हुआ है वहां पर, नियम जरूर है, बट यहाँ पर दीपक भाई बात यही होती है कि आप एक कॉमन सेंस का भी तो इस्तेमाल करते हो कि किस सर्कमस्टांसिस में वो सब चीज हुई है, बांग्लादेश की पूरी टीम साकिब उल हसन अपील कर रहे थे, बट अंपायर तो कह सकते हो आकर यार गार्ड ले रहा था सब कुछ था उसका, अब ऐसे तो हेलमेट प्रोटोकॉल ये कहता है ना कि भाई अगर आपके हेलमेट
में कोई दिक्कत है तो आप तब तक खेलोगे नहीं अगली गेम जब तक हेलमेट आपका रिप्लेस ना हो जाए, पूरी तरीके से सही ना हो जाए। तो उसमें कैसे देखते हैं आप अंपायर्स का रोल? मैं एक बात कहता हूं कि भाई आज शाकिब अल हसन ने जो चीज की, जैसा सर ने अभी कहा कि इनसे ज्यादा विवादित क्रिकेटर नहीं होगा भाई, इनकी कभी अंपायर से बहस, कभी ये विकेट उठाकर फेंक देते हैं, और कोई भी इनके आप कांड देख लो किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं आते, या आएंगे अपने घर में ढाका प्रीमियर लीग में या फिर श्रीलंका के खिलाफ या किसी और टीम के खिलाफ, क्योंकि बड़े मंच पर बड़े लोगों के सामने ये बोल पाते नहीं है। दूसरी चीज है कि उस दिन बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था जब नसीम अहमद ने वाइड डालने की कोशिश कर दी सर, जब विराट शतक पर थे, उस दिन इनकी टीम को ने चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। ऑस्ट्रेलिया होता यहां पर, इंडिया होता या फिर कोई और दूसरी, इंग्लैंड होता, करते ही है क्यों? दूसरी चीज, आप अगर रूल्स रेगुलेशन यार यहां पर कोई उस तरीके से थोड़ी है कि आप किताब लेकर क्रिकेट खेलने जा रहे हो कि मेरे जेब में एक बुक रखी हुई है, मैं हर 10 मिनट बाद उसमें एक रूल देखूंगा कि कहीं मैं रूल का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं किसी का। यार आप किसी गेंदबाज को देखते हो, कई बार देखा है ना कि गेंदबाज यार प्रॉब्लम में रहता है तो थोड़ा कभी स्पाइक्स वगैरह बदलवा दिए, ये कर दिया, तो वहां पर बल्लेबाज भी तो सवाल कर सकता है कि मेरे लिए भी तो टाइम में देरी हो रही है, मैं हूं यहां पर क्यों गेंदबाज टाइम ले रहा है। दूसरा फील्ड का आप जानते हो कि आज के टाइम में होता है कि फील्ड में थोड़ा सा समय आपने ज्यादा लिया, ओवर्स तय समय पर पूरे नहीं किए तो भी रूल्स होते हैं भाई, लेकिन नहीं, आज बांग्लादेश, आई एम सॉरी, बांग्लादेश को हारना चाहिए। मैं कहता हूं लंका डिजर्व करता है, लंका ने 279 रन बोर्ड पे लगाए हैं, लंका डिजर्व्स टू विन बिकॉज़ अल्टीमेटली क्रिकेट हैज टू विन। अच्छा कल का मैच याद कीजिए, कल जब बॉल कर रहे थे टुवर्ड्स द एंड शमजी, तो विराट ने एक बॉल खेला शॉर्ट लेग यहां पे गया, तो इधर से कीपर भी निकले, उधर से विराट ने बॉल उठा के उसी मोशन में बॉल उठा के उसको फिर को देखा, अगर बॉलर अपील करता तो विराट भी आउट थे ना, फिर बिल्कुल हैंडल द बॉल आउट थे ना, या हैंडल द बॉल या फिर ऑब्स्ट्रक्टिंग था। लेकिन यार आप इस तरह की हरकतें नहीं करते हो, इस तरह की हरकतें आप टाइम्ड आउट, मतलब वो प्लेयर जो आ चुका है मैदान में उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूटा है, वो शाकिब को जाके कह रहा है यार क्या बात कर रहे हो, मतलब मेरा ये वो कह रहे मैं नहीं सर, इनकी श्रीलंका के साथ पर्सनल खुन्नस है पिछले एक दो साल से, आप जानते हो जो इनके नागिन डांस और सपेरे आते हैं, ये इंतजार करते हैं कि कुछ कमी हो तो हम वहां पर आए। मैं पता नहीं यार, बांग्लादेश में मैं जानता हूं कि मतलब क्रिकेट का बहुत शौक है लोगों को, क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, बट यार मैंने ना वो भी देखा है उलझुलूल हरकतें, जब वो एमएस धोनी का वो उन्होंने वो बनाया था टस्किन के हाथ में वाला, इवन वो कटर वो मुस्तफा को बनाया, ये चीजें हुई हैं। आपकी टीम तरक्की नहीं करेगी जब तक आप क्रिकेट को ना एक खेल के तौर पर नहीं, क्या उस लाइनअप में, और ये प्लेयर रोल मॉडल नहीं है, आई एम सॉरी, मैं वही कह रहा हूं, मैं साकिब उल हसन का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, बट साकिब उल हसन इज नॉट अ गुड रोल मॉडल धीरज भाई, ही इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। ऐसा हमने चलो काफी इंस्टेंसेस अलग अलग रहे हैं, अब तो चलो नॉन रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड एक डिसमिसल ही प्रॉपर हो गया, बट आपके पूरी की पूरी लाइनअप में ठीक है आप बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, बट कोई भी वहां पर इस काबिल एक इंसान ने जो बोले यार कि शाकिब क्या कर रहे हो यार छोड़ो वो, तो सिंपल सा याद जी, अभी चलो कुछ पहले ही चलते हैं, इंडिया को भी याद दिला दो, नेपाल को नेपाल का आपको अच्छे से याद होगा एक रील भी वायरल होती है, हाँ, रनआउट वाला, रनआउट का होता है, टकराता है यार नेपाल को, नेपाल से सीखो यार, नेपाल से सीखो, रोहित शर्मा पे आता हूँ चलो मैं थोड़ा सा, तो दोस्तों जैसा कि आपने विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन सुना, एक वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये रिकॉर्ड बन चुका है, पहली बार यहाँ पर किसी ने यहाँ पर हुआ मैथ्यूज को टाइम आउट कर दिया गया, क्योंकि आप लोगों ने जैसा कि वीडियो देखा जिस पर विक्रांत का काफी ज्यादा गुस्सा हुए बांग्लादेश टीम पर, ज्यादा खास तौर पर साकिब उल हसन पर, क्योंकि उन्होंने अपील की और अंपायर ने आउट दिया था, साकिब उल हसन चाहते तो उस आउट